करने वाली थी, उठे जागो सबको ज्वाइन करा दो आईएलसी, क्योंकि हमारे भारत देश को विश्व में अमीर बना रहे हैं। गोविंद शर्मा जी आगे आ जाएं। भीम सिंह जी वर्मा, डॉक्टर परेश्वर, क्या बात है, तालियों में बड़ी मंजूसी कर रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो सोचा था कि मैं टीचर ही बनूंगा, ऊपर वाले ने मौका दिया वो सपना साकार हुआ, लेकिन जो चाहता था जिंदगी में कि वो मिले वो नहीं मिल पा रहा था, सुकून नहीं था। मतलब मैं खुद को मैं मानता हूँ कि मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं था, बस पता नहीं क्या सोच लिया तो टीचर ही बन गया। जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। अचानक ही मुझे मेरे ग्रेट अपॉइंट श्री सुच्चा सिंह जी चेयरमैन स्टार मुझे मिल गए एग्जाम में। मैं बैठा था वहाँ अपने एक दोस्त के पास, कारपेंटर का काम करते हैं वो, इन्होंने मुझे एएमसी का बिजनेस शिफ्ट कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होता है, जब पता चलता है कि एएमसी हमें क्या देने वाली हो, क्या देने वाली है, तब हम लोग काम करने शुरू करते हैं। नहीं है तो बहुत से लोग हैं एएमसी ज्वाइन कर लिया है, बस ज्वाइन करके बैठे, करना कुछ नहीं है। सुच्चा सर भी मेरे साथ बड़े दिन तक लग रहे हैं, चलो जी परचेज करना है, चलो जी परचेज करना है। आईएमसी को सर्च किया गूगल पे, उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, सुकून मतलब तसल्ली की, क्योंकि टीचर है ना तो ज्यादा ही फिलहाल होता है दिमाग में, हर चीज को सोच समझ के ही करना है। और जब समझ में आया तो आईएमसी स्टोर जाके परचेज किया सीधे 20% लेवल। आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो इस लेवल तक पहुंचा दिया है। मेरे ग्रेट ऑफलाइन श्री सुच्चा सिंह जी और ग्रेट गुरु श्री आर्य पंडित जी के लिए मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां हों। गुड आंशी दोस्तों। नाम गोविंद शर्मा, दिल्ली का रहने वाला हूँ, और मेरी अपॉइंट कल्पना मिश्रा और अशोक जी, और ग्रेट अपॉइंट सुच्चा सिंह जी और आर्य पंडित जी। मंजिल है कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, मंजिल है कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, रख घोंसला तू तो आसमां भी रुक जाएगा। समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आता, लेकिन ये बिजनेस है सोच का, बड़ी सोच का और बड़े सपनों का। यदि हमारे बड़े सपने बड़ी सोच है तो कुछ करने की इच्छा भी होगी। तो मैं ये पार्ट ये अभी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ इसे सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते आज सिल्वर लेवल पर हूँ और अगले महीने गोल्ड स्टार लेवल। जोरदार तालियां।
आ गई है। हमारी पुष्पा जी जो गोल्ड स्टार है, उन्होंने एक बार अचीवमेंट किया हुआ है, उन्होंने हनीवेल अचीव किया है आईएमसी से, तो एक जोरदार ताली उसके लिए भी, उनके भी हनीवेल सर के द्वारा दिया जाएगा। हनीवेल हनीवेल का घर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि ये हमारा लक्की ड्रॉ का एक चला था, उसमें इन्होंने ये अचीव किया है, तो हनीवेल लेते हुए ट्रॉफी भी हाथ में, ट्रॉफी भी हाथ में दीजिए इनको।
जी का तो ऐसा है कि कभी कोई शो होगा या तो आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, कभी कोई शो होगा या जो वैसा कोई मौका मिलेगा तो सीन बंद है, फिर भी आप लोगों के प्यार में एक लाइन जरूर आपको सुनाऊंगा मैं। आज माहौल जरा दूसरा है, हमारे भी आज भी पंडित जी हैं, हम इनको सुनने आए हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, बाकी बहुत सारे और चेयरमैन भी है, मैं तो पहले भी अनाउंस कर ही रहा हूँ, एंकरिंग कर ही रहा हूँ, आपकी ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जूनियर हूँ आप सबका, शायद अगर आप गिनोगे तो सब ऐसे है कि एक साल से ऊपर के सारे, तो 7-8 महीने से हूँ, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये अलग बात है कि थोड़ी स्पीड मैंने लॉकडाउन में बना दी थी, बातों में खेल खेल में यारी बना दी थी, लेकिन मुझे असल में अब काम शुरू करना है। तो मैं आपको एक लाइन में आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि वो लाइन सबके लिए, कि जो भी आपके लीडर है वो ये ना सोचे, जो जिनकी टीम है, मैं यहाँ पर मेरे सिर्फ एक ही सुपरस्टार है मेरे सामने जो कैमरे में बैठा है विवेक वर्मा, बाकी मेरी ज़्यादातर आईडी मैं शिमला से हूँ, तो हिमाचल में ही मेरी फोन पे आईडी लगी है, दिल्ली में मेरे पास 5-6 लोग अभी है जो बहुत जूनियर है, धीरे धीरे आपके बीच में जो मेरे स्टार्स आएंगे, क्योंकि अभी देखा तो मेरे बीच में एक ही स्टार था, सुपरस्टार ही मेरा ही बेटा है विवेक वर्मा। एक लाइन सुनाता हूँ, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ बाजते तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। अरमान रखता हूँ ना कोई अरमान रखता हूँ ना कोई फरमान रखता हूँ, ताजीब से सुनो तो सुन लो, सुनने वालों तेरे लिए सम्मान रखता हूँ। सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है अपने आप से बेहतर, लेकिन अगर हम और तुम मिल जाएं तो ये प्रोग्राम हो जाएगा और भी बेहतर और भी बेहतर। टाटा बाय बाय कर दिया था, मगर सर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि नंबर था इनके पास,
और कॉल करते रहे बार बार कि मिल लो, मैं कहा नहीं मिलना, मगर ये जीत गया और मैं हार गया। इन्होंने मुझे आकर पकड़ ही लिया और मैं उनका थैंक्स कहूंगा कि अगर ये मेरे पीछे 2 साल तक ना पड़े होते तो शायद ये इतनी जो माला मेरे गले में पड़ी है ये ना पड़ती होता ही है। अगर मैं आज ना आता तो शायद ये मेरी माला जो गले में माला पड़ी है ये ना डलती। तो मैं थैंक्स कहूंगा दोनों को क्योंकि इन्हीं के माध्यम से इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और टीम का, क्योंकि टीम के बदौलत ही मुझे ये लेवल मिला। अगर टीम ना सपोर्ट करती तो शायद मैं इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। तो थैंक्स आप लोगों को भी, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि हम तो बहुत। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी, मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी। दोस्तों फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका अपना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।